कहा तीन परिवारों के 17 लोगों ने हिंदू धर्म में की है घर वापसी और क्यों, बेहद दिलचस्प है। हम आपको ये बताएंगे, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां पर वलीमे के बाद यानी कि रिसेप्शन के बाद दुल्हन सीधे थाने पहुंच गई, उसकी कहानी क्या है ये भी जानिए। और साथ साथ बीजेपी के किस नेता ने तलवार से केक काटकर मनाया है जन्मदिन, ये सब दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर बहस छिड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी है, लेकिन शामली के कांधला के सूरज कुंड मंदिर में तीन परिवार के 19 लोगों ने अपना धर्म बदला है। धर्म बदलकर ये लोग वापस अपने मूल धर्म हिंदू धर्म में आए हैं। दरअसल 12 साल पहले तीन परिवार एक साथ मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे और कन्वर्ट होने के पीछे की जो कहानी है वो भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये बंजारों का परिवार था और इन परिवारों में शवों को दफनाने की परंपरा थी, लेकिन उस इलाके में जहां पर ये रहते थे वहां इन्हें अपने शवों को दफनाने नहीं दिया गया और इससे क्षुब्ध होकर इन परिवार के लोगों ने इस्लाम धर्म 12 साल पहले कबूल कर लिया था। लेकिन आप जिस मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं ये कांधला इलाके का सूरज कुंड मंदिर है और यहां पर महंत ने बकायदा इनका शुद्धिकरण कर इन्हें वापस हिंदू धर्म में, इन्हें वापस अपने मूल धर्म में लौटाया है। और इन परिवारों को जब ये बताया गया कि हिंदू धर्म में भी दाह संस्कार के साथ साथ दफनाने और जल प्रवाह तीनों की पद्धति है, उसके बाद इन तीन परिवार जिनके लोग 12 साल पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे ये लोग वापस अपने मूल धर्म में लौट कर आए हैं। सुनिए क्या कहा है इन परिवार के लोगों ने लौटने के बाद और उस महंत ने जो कि इनके वापस इनके मूल धर्म लाने में मुख्य भूमिका निभाई है। सुनिए क्या कह रहे हैं ये दोनों लोग। क्या नाम है जी आपका? इमराना। आप तो नेता है। अच्छा, आप पूरे परिवार से मुसलमान से हिंदू बने हैं, क्यों बने हैं? बाजी बन गए थे अपना दफनाने के लिए कि हमारे दफनाने नहीं कोई देवता, इस वजह से पहले से बाप दादा से हमारे समाधि बने इस वजह से। तो आपके मजम में पहले से ही दफना थे? हाँ, पहले ही सही, इसीलिए आप पहले मुसलमान बने थे? हाँ, इसमें ना पहले तो हिंदू ही थे तो फिर मुसलमान बने थे ना? हाँ, इस वजह से बन गए थे। मगर जब हमारा आदमी को दफना नहीं देवता का सिर पर ठा फिर तो उसे। लेकिन आज का जो हवन था वो विशेष हवन इसलिए था कि जो हमारे जो पहले हिंदू लोग किसी भी कारण से लालच में या दबाव में इस्लाम मजहब में चले गए थे, तो उन लोगों के बीच में हमने जा कर के अपने विचार रखे और हमारे विचारों से वे प्रभावित हुए, तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो फिर हमने यहाँ अब शुद्धि यज्ञ किया और इसमें इनको शुद्ध किया। दरअसल इस पर बहस छिड़ सकती है, इसलिए छिड़ सकती है क्योंकि धर्मांतरण का कानून लागू है और किसी भी धर्म में अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर कोई अपने मूल धर्म की ओर वापस लौटता है तो शायद इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इस पर सियासी बहस ज़रूर छिड़ सकती है, इस पर चर्चा ज़रूर हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीलीभीत के एक थाने में एक अजीबोगरीब मामला आया। एक दुल्हन, सजी धजी दुल्हन, अपनी बहनों के साथ थाने पहुंच गई और उसने थाने में आरोप लगाया कि जब उसका वलीमा चल रहा था यानी कि जब उसका रिसेप्शन हो रहा था उसी वक्त उसकी 7 बहनों के साथ छेड़छाड़ की गई। लड़के वालों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, परिवार के साथ बदतमीजी बदसलूकी तब की गई जब छेड़छाड़ का विरोध हुआ और साथ साथ मारपीट की गई। आप पहले इस तस्वीर को देखिए, एक सजी दजी दुल्हन और उसकी 7 बहनें थाने में बैठी हैं और ये सब कंप्लेन इस बात को लेकर के आई थी
कि लड़के वालों ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, उनके बहनों के साथ बदतमीजी और मारपीट की है। पहले इन तस्वीरों को देखिए, फिर कहानी समझिए। ये पीलीभीत के लड़किया थाने का मामला है, जहां के पूरनपुर इलाके के दो आसपास के गांवों में इन लोगों की शादी हुई थी। लेकिन शादी के अगले दिन ही जब वलीमा चल रहा था, उसी वक्त ऐसा तांडव हुआ कि मामला थाने तक पहुंच गया और अपनी सभी सात बहनों के साथ दुल्हन सीधे थाने पहुंच गई। उसने आरोप लगाया कि बहनों के साथ छेड़छाड़ की गई है और भाइयों के साथ मारपीट की गई है। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने थाने पर लड़के पक्ष को बुलाया और लड़के पक्ष ने अपनी भी बात रखी, लेकिन किसी तरफ से कोई FIR नहीं की गई और उसके बाद समझा बुझा कर घर भेज दिया गया। लड़के वालों ने छेड़छाड़ से इनकार किया, जबकि लड़की अपनी बहनों के साथ थाने इसलिए पहुंची थी क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। अब मामला क्या हुआ, आखिर किस बात पर सहमति बनी, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कैसे वलीमे के दौरान आपस में हुई मारपीट और छेड़छाड़ के बाद ये पूरा मामला तमाशा बन गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाते बीजेपी के एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। न सिर्फ तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया जा रहा है, बल्कि इसमें कोरोना की नियमों की धज्जियां भी उड़ रही हैं। सौरभ श्रीवास्तव बनारस के कैंट विधानसभा से विधायक हैं और बीती शाम उनका जन्मदिन कुछ इस अंदाज में मना कि देखने वाले भी देखते रह गए। बाकायदा एक बड़ा सा केक और तलवार से उस केक को काटा गया और उसके बाद उस केक की होली हुई। यूं तो बीजेपी के लोग ऐसे आयोजनों से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन, तलवार से केक काटकर बर्थडे मनाने का एक नया चलन दिखाई दे रहा है और अब इसमें बीजेपी के विधायक भी इन तरीकों से अपना जन्मदिन मनाते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आपको जाते जाते ये बता दें कि 2022 के विधानसभा के चुनाव तक हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, राजनीतिक खबरों का समागम, कॉन्क्लेव्स, ये सब कुछ आप देख सकते हैं हमारे स्पेशल शो यूपी किसका में।